एगोसोप का वास्तविक नाम जय हेमंत सोप है। घर वाले उन्हें प्यार से टाइगर बुलाते हैं, इसलिए उन्होंने अपने ऑन स्क्रीन नाम के तौर पर इसी को चुना। उनका जन्म 2 मार्च 1990 को बॉलीवुड के प्रख्यात अभिनेता जैकी सोप के यहाँ हुआ। उनकी माँ का नाम आयशा सोप है। उनकी एक बहन भी है जो उनसे 3 साल छोटी है। दुनिया उनको पुष्णा सोप के नाम से जानती है। टाइगर सोप ने अमेरिकन स्कूल ऑफ बॉम्बे से अपनी स्कूली शिक्षा पूरी की। इसके बाद फिल्मी दुनिया की समझ विकसित करने के लिए बॉलीवुड में चले गए। उन्होंने धूम 3 के दौरान बॉडी बिल्डिंग के लिए आमिर खान के सहायक बने। टाइगर जापानी युद्ध कला ताइकावाड़ो में 5वें स्तर के ब्लैक बेल्ट होल्डर है। पहला सितंबर 2009 में टीवी शो फौजी में लीड रोल के लिए ऑफर दिया गया, लेकिन वे अपनी शुरुआत टेलीविजन से नहीं करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने इस रोल को ठुकरा दिया। इसी बीच 2010 में इस तरह की खबरें आने लगी कि सुभाष घई टाइगर श्रॉफ को लेकर अपनी फिल्म हीरो का रीमेक बनाने की योजना बना रहे हैं। लेकिन सुनने में ये आया कि टाइगर ने इस प्रोजेक्ट में कई दिलचस्पी नहीं दिखाई। 2011 में भी एक बार फिर से बी टाउन खबरों का बाजार गर्म हुआ। आमिर खान अपने किसी प्रोजेक्ट के लिए टाइगर श्रॉफ को साइन करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बात ये खबर सिर्फ एक अफवाह की साबित हुई। 2012 में आखिर यह साफ हो गया कि साजिद नाडियाल टाइगर श्रॉफ को लीड रोल में लेकर हीरोपंती बनाने वाले हैं। 13 मई 2014 को हीरोपंती ने सिनेमा स्क्रीन पर रिलीज हुई। टाइगर श्रॉफ का सुनहरा पर्दा पर अवतरण हुआ। फिल्म के गीत रिलीज से पहले ही लोगों के बीच लोकप्रिय हो गए। फिल्म ने भी सफलता के झंडे गाड़े, बॉक्स ऑफिस पर शानदार कमाई की। फिल्म में टाइगर श्रॉफ के अभिनय के अलावा उनके डांस और एक्शन को लोगों ने दीवाना बना दिया। प्रतिभा को निखारने की सलाह दी गई थी टाइगर को। इसके बाद टाइगर को साइन करने वाले निर्माता की लाइन लग गई, लेकिन वे बहुत सावधानी से अपने लिए फिल्मों का चयन कर रहे हैं।